वालेकुम दोस्तों और साथियों इस्लामी तारीख़ इस्लाम की तारीख के मुतालिक आगाही हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस्लाम से कब्ल के अरब के हालात के मुतालिक आगाही हो इस सिलसिले में हम आपको मुख्तसरन मालूम फ़राम कर रहे हैं जिसकी रोशनी में आप मज़ीद मालूम इंटरनेट विकिपीडिया और दर किताबों से हासिल कर सकते हैं इसके लिए आप अपने कमेंट्स में हमें भी लिख सकते हैं कि हम किन मौजूद पे तफसील से जिक्र करें बनो कैतान बनु कैतान बनु अदनान के मुकाबले पर अरब के दूसरे कबाइल का बुनियादी नाम है बनु कैतान की मुख्तलिफ शाखें हैं ये सब भी साम बनी साम बिन नो की औलाद में से है और इसके कुरब जवार के बाशिंदे हैं और अरब आरबा भी कहलाते हैं बनो जरीम और बनो यरब इन्हीं की शाखें हैं बनो यरम में से अब्द, अब्दुलशम्स जो सबाई के नाम से मशहूर है यमन के तमाम कबीलों का जद अमजद है इसी ने यमन का मशहूर शहर बसाया और वहाँ तीन पहाड़ियों के दरमियान में एक बहुत बड़ा बंद बांधा था इस बंद में बहुत से चश्मों का पानी आकर जमा होता था जिससे बुलंद मकाम के खेतों और बाग़ों को सैराब किया जाता था ये बंद कुछ मुद्दत बाद कमज़ोर होकर टूट गया था जिससे सारे मुल्क में बहुत बड़ा सैलाब आ गया था इस सैलाब का ज़िक्र कुरान करीम में भी आया है और अरब की कहानियों और शेरों में भी जा बजा मौजूद है इस सैलाब से तबाह हो होकर यमन के अक्सर ख़ानदान दूसरे मुख्तलफ़ मकाम पर जा बसे थे तहजीब तमद्दन के लिहाज से ये सारे अरब में फ़ायक थे मलका बिल्किस बनु कैतान की हारी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी कबाइल आजद में से एक कबीले ने मदीना आकर अपनी हुकूमत कहम की बनो कैतान के दो बड़े कबीले थे इनमें से एक हमेर और इस हुमेर की मशहूर शाखें जैदल जजूर कज़ा और सकासक है दूसरा कबीला कहलान कहलान था और इसकी मशहूर शाखें हमदान तही मजहज तंदा लखम जजाम अज़ाद ओस खज और औलाद जफना है जिन्होंने आगे चलकर मुल्क के शाम के अतराफ़ में हुकूमत की और आले गसान के नाम से मशहूर हुए अरब ने यमन छोड़कर अरब का रुख अख्तार किया और वहीं फैल गए दोस्तों और साथियों इस्लाम आने के बाद आप शाम के सिलसिले में घरसान के मतल पढ़ेंगे और इसी तरीके से आप रियासत मदीना में बनो और बनो वजिट का ज़िक्र भी आपकी मालूम में आगाही फराम करेगा शुक्रिया